तो एक्रेलिक कलर के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमें बैकग्राउंड को, फोल्ड्स को दिखाने की कोशिश की, उसको कभी भी खाली नहीं रखना होता है, चाहे वो आप पेंसिल का स्केच बना रहे हो या कलर वाला, उसके ऊपर अगर आप लाइट कलर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज ये पार्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने पहले कुछ पार्ट्स को अपलोड किया था जिसमें हम एक्रेलिक कलर से पहली बार राधा कृष्णा जी की पेंटिंग बना रहे थे। नहीं, राधा कृष्णा जी की पेंटिंग मैंने पहले भी बनाई है, एक्रेलिक कलर को हम पहली बार यूज़ कर रहे थे। तो उसमें हमने अपने जो कृष्णा जी है उसका जो कलर था वो कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने सारी आउटलाइंस कंप्लीट कर ली थी। दोनों वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो पिछली वीडियो में हमने सीखा उससे का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे कृष्णा जी थे उसमें हमारा कलर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि हमने पहली बार कलर यूज़ किए। अब ये एक्रेलिक कलर के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें पानी का यूज़ नहीं कर सकते और ये बहुत ही जल्दी ड्राई भी होते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आप जल्दी जल्दी आप लोगों को अपने कलर्स को यूज़ करते हुए हमें अपनी पेंटिंग को कम्प्लीट करना होता है। फिर भी हमारी पेंटिंग बहुत अच्छी बनी और पहली बार के तौर पर बहुत अच्छी है, आगे टाइम के साथ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को कुछ कृष्णा जी के कलर्स के बारे में डिटेल में बताया था कि मैं कैसे कलर्स को यूज़ कर रही हूँ, आज भी मैं ऐसे ही राधा जी के कलर को हम कंप्लीट करेंगे और जो बैकग्राउंड है उसको कंप्लीट करेंगे। तब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे राधा जी के फेस से, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक स्किन कलर को बना लेना है। स्किन कलर आप लोगों को अलग अलग तरीके का मिल सकता है, जैसे कि कृष्णा जी का ब्लू कलर का बना था, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल स्किन कलर है जो कि हमारा भी होता है। तो उसके लिए आप वाइट कलर, ऑरेंज कलर और जो आपका ब्राउन कलर है उसको आप मिक्स करो और एक कलर को, इस कलर को बना सकते हो। बनाने के बाद जहाँ पर भी हमें स्किन कलर दिख रहा है वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब इसको पूरा अच्छे से अप्लाई करने के बाद बात आती है थोड़ी डार्क शेड की और लाइट शेड की, क्योंकि इसमें दोनों हैं, कहीं पर शेडो है तो कहीं पर आपको लाइट शेड दिख रही होगी। तो जहाँ पर लाइट शेड है वहाँ पर हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे और जहाँ पर डार्क शेड है वहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा ब्राउन या ऑरेंज कलर को मिलाकर इसको थोड़ा और डार्क कर। इस तरीके से हमारी लाइट शेड और डार्क शेड का भी काम कंप्लीट हो गया। तो अब करेंगे हम आइज़ में कलर। तो जहाँ पर वाइट कलर होता है, आइज़ का जो वाइट एरिया होता है वो आप लोगों को कभी भी खाली नहीं रखना होता है, चाहे वो आप पेंसिल का स्केच बना रहे हो या कलर वाला। तो कलर में हम जैसे नॉर्मली हमें कोई कलर समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो आप लोग तरीके और भी तरीके के कलर्स देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है वाइट कलर में बिल्कुल हल्का सा ब्लैक कलर को मिक्स करो और उसको उसमें अप्लाई कर दो। उसके बाद जो हमारा, तो जहाँ पर हमें सिर्फ डार्क कलर या एकदम ब्लैक कलर की ज़रूरत है वहाँ पर हम बना लेंगे, और जो आईलैशेस है उनको भी बना लेंगे और आईब्रोज़ को भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान से करना है। और इन कलर्स की एक और ख़ास बात है कि जब हम एक कलर को दूसरे कलर पर अप्लाई करते हैं तो जो हमारे फर्स्ट लेयर थी वो थोड़ी कम ही दिखाई देती है, वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है। पर फिर भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान से करना है, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी डार्क कलर, पहली लेयर ज़्यादा ही डार्क होगी किसी कलर की, तो उसके ऊपर अगर आप लाइट कलर अप्लाई करोगे तो वो फिर भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे। तो अब बात आती है हमारी लिप्स की। तो हम इसमें ऑरेंज और रेड कलर का यूज कर सकते हैं और आप लोग थोड़ा सा स्किन कलर्स का ही मिक्स करना है, लेकिन ये और भी ज़्यादा डार्क शेड में होगा। तो लिप्स भी हमारे इसमें एकदम नेचुरल लग रहे हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा नेचुरल की तरफ ही लेकर चलेंगे, और जो हमारी जो डार्क शेड होगी उसमें हम रेड कलर का यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा जो कलर है वो कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो हेयर्स में सबसे पहले एक ब्लैक कलर मैंने किया है और उसके बाद मैं इसमें जो वाइट कलर है उससे हम थोड़ा सा हाईलाइट दे देंगे ताकि जो हमारे हेयर्स हैं वो थोड़े नेचुरल लगें, और जब मैंने इसको किया वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे भी रहे थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में कहा था कि जब हमने कृष्णा जी का जो येलो वस्त्र थे उनको जब हमने पेंट किया और उसमें जब हमने कुछ फॉल्ट्स को दिखाने की कोशिश की तो उसमें मैं थोड़ी सी, मुझे इतना अच्छा वो रिज़ल्ट नहीं मिला, पर इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए जब हमने राधा जी की जो साड़ी है उसको हमें जब कलर करना है तो हम उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो हमने सबसे पहले एक प्लान जो हमारा नॉर्मल जो रेड कलर है उसको अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो डार्क शेड्स दिखानी है उसमें हम थोड़ा सा ब्लैक कलर को यूज़ करके, बिल्कुल हल्का सा ब्लैक कलर लेना है,
तो वो आप लोग उसके बाद डार्क शेड को यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान देनी थी कि यहाँ पर दो ही कलर नहीं थे, एक प्लेन रेड और ना ही एकदम ब्राउन या आप लोग डार्क रेड कह सकते हो। तो इस तरीके के दो कलर सिर्फ नहीं थे वहाँ पर, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का भी यूज़ हुआ है, जो फ़ोटो है हमारा उसमें थोड़ा सा येलो कलर का भी यूज़ है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, जो हमारा रेड कलर है और उसमें हमने येलो कलर को मिक्स कर लिया, और उसके बाद जहाँ पर हमें थोड़ी और शेडो चाहिए थी या जहाँ पर हमें थोड़ा लाइट कलर चाहिए था वहाँ पर हम उसको अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जहाँ पर इससे भी ज़्यादा हमें लाइट शेड चाहिएगी वहाँ पर ऑरेंज कलर को अप्लाई कर देंगे, और जहाँ पर इससे भी ज़्यादा हमें लाइट शेड चाहिएगी वहाँ पर हम येलो कलर को अप्लाई कर देंगे। और इसी तरीके से हम जो हमारा बाकी का, जहाँ पर आप लोग पिंक कलर देख सकते हो बाकी की जो साड़ी है उसमें हम करेंगे। उसके बाद जो हमारा काम बच गया है उसमें है हमारी ज्वेलरी, उसमें हम येलो कलर को मिक्स करके कर लेंगे। और जो हमारे जो भी हमें स्टोन बनाने हैं उसके लिए हम अपने कलरफुल कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, वो तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर लो। तो उसके बाद तो आप लोग देख ही सकते हो मैंने जो भी इसमें कलर किया। अब बात आती है हमारी बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ। सबसे पहले मैंने सोचा कि जो फ़ोटो में है हम उसी को बनाएंगे, पर फ़ोटो में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक सनसेट के तरीके से एक करें, लेकिन हमने एक यहाँ पर काम किया है कि जो राधा जी हैं उनका जो मुकुट है ऊपर का, उसमें सबसे पहले हमारा लाइट शेड येलो ही है, और अगर हम कोई भी येलो कलर को अप्लाई करेंगे उस सनसेट के हिसाब से तो वो तो एकदम चमकेगा ही नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैंने वो भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग में आएगा कि क्यों ना हम अपनी सीनरी या कुछ ऐसा बनाएं, बट फिर उससे क्या होता कि हमारा जो मेन फोकस है राधा और कृष्णा जी का, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती थी। हमें बैकग्राउंड को एकदम ब्लर करना चाहिए, मतलब ऐसा करना चाहिए कि उस पर ज़्यादा एकदम नज़र ना जाए, बैकग्राउंड तो हमें करना ही था। तो इस वजह से मैंने क्या किया, जो कलर हमने इसमें अभी तक यूज़ नहीं किया है वो हमने कलर यूज़ कर लिया। तो जो हमारा येलो कलर था उसमें हमने मिक्स किया ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर यूज़ करने के बाद ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा था। उसके बाद हमने थोड़ा सा येलो कलर में ऑरेंज कलर को मिक्स किया, वो अप्लाई कर दिया, और सबसे लास्ट में हमने अप्लाई कर दिया रेड कलर। तो ड्राइंग हो गई हमारी कंप्लीट। मुझे ये बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कर दें वीडियो को अभी ज़रूर, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं बात करती हूँ कलर्स की। तो कलर्स बहुत अच्छे हैं और आप लोग इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, समझना होता है कि कैसे इनको अप्लाई करना होता है, क्योंकि वाटर कलर में और इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वाटर कलर से एकदम एक्रेलिक कलर पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है शायद, बट इतना भी नहीं लगेगा। एक दो बार यूज़ करने से आप लोग थोड़ा बहुत तो इनके बारे में समझ ही जाओगे। तो कलर्स बहुत शाइनिंग भी हैं, शाइन है बहुत अच्छी इनमें। तो वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।